बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रांस में वर्ल्ड कप की फतह का जश्न पर पुरतशद्दुद मज़ाहरों में तब्दील। पेरिस फुटबॉल वर्ल्ड कप की फतह के बाद फ्रांस में जश्न के दौरान मदाहों के दरमियान तसादम और मुख्तलिफ हादसात में दो अफराद हलाक हो गए, जबकि सैकड़ों गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। शर पसंद अनासर ने दर्जनों दुकानें लूट ली। जश्न मनाने वाले बेकाबू हो गए। खुशी का ये मौका लड़ाई झगड़ों, लूट मार, जलाओ गिराओ और पुलिस से झड़पों के बायस पुरतशद्दुद मज़ाहरों में तब्दील हो गया। इस दौरान मुख्तलिफ हादसात में दो अफराद हलाक हो गए, जबकि एक मकाम पर मदाहों के दरमियान तसादम ने शिद्दत अख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। इस मौके पर 1,00,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार और 44,000 फायर ब्रिगेड अहलकार किसी भी मुमकिन हादसे से निपटने के लिए फ्रांस की सड़कों पर तैनात थे। तमाम तर सिक्योरिटी के बावजूद शरपसंद अनासर की जानिब से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और दुकानों में लूट मार के वाकयात रूनुमा हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक जश्न के दौरान मजमूई तौर पर 845 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, 30 से ज्यादा सुपर स्टोर को लूटा गया। मुख्तलिफ वाकयात में जख्मी होने वाले 25 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस ने 500 से ज्यादा शरपसंदों को हिरासत में ले लिया। पेरिस के मेयर का कहना है कि तारीखी जश्न को तबाह करने के लिए चंद शरपसंद अनासर ने कानून को हाथ में लिया, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मेयर के मुताबिक हालात पुलिस के कंट्रोल में हैं। आवाम के जाने और माली नुकसान पर नहायत अफसोस है। तोड़ फोड़ के मुर्तकिब अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा।